आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। और जैसे कि इसकी परंपरा रही है चौंकाने की, बिल्कुल वैसे ही हुआ। इससे पहले अगर आप देखते हो क्वार्टर थ्री में कंपनी ने चौंकाया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था। उसके बाद में क्वार्टर फोर में कंपनी को लॉस हुआ, लोग उस समय टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए। काफ़ी कहने लगे सर आपने इस स्टॉक में हमको फंसा दिया, ये तो यहाँ पे कंपनी लॉस में हो गई, अब सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि इसमें आपको डरना नहीं है, ये वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, इस बार रिजल्ट फिर से हमें बेहतरीन देखने को मिला। और मैंने जो आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट किए वो वाकई मजबूत है, और जो लोग विश्वास के साथ इसमें बने हुए हैं उनको आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक वाकई में काफ़ी अच्छे है। तो इस रिजल्ट को हम अच्छे से समझेंगे, इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या इसकी पॉजिटिव बातें और कैसी संभावना आगे रह सकती है। आज इसमें थोड़ी सी जबरदस्त तेजी के बाद में थोड़ी सी दबाव जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे क्या वजह उसको भी देखेंगे, और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और रिजल्ट के अंदर क्या छुपी हुई बातें उनको भी सामने लेकर आएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 8.80 पर ओपन हुआ, यानी शानदार तेजी के साथ में शुरुआत हुई। रिजल्ट को देखकर यहाँ पे होप जगी थी, 8.85 का हाई भी बना, लेकिन लो है 8.10 का। फिलहाल 8.35 पर स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 3.09% की तेजी है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इतने शानदार रिजल्ट के बाद अपर सर्किट क्यों नहीं लगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि इसमें बहुत तेजी ऑलरेडी पहले बन चुकी है कम समय में। आप देख सकते हो 28 जुलाई को स्टॉक 6.15 के आसपास था, आज इसने लगभग 8.80 पे शुरुआत की। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं लगभग 35% से 40% की ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रही है। तो ऐसे में लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। दूसरी एक और वजह रही कि आज बाजार में दबाव है, निफ्टी एनर्जी भी डाउन ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 26,605 पर निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे 0.46% की गिरावट है, लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है, और इस वजह से आपको यहाँ पर भी थोड़ा दबाव दिखाई देगा। लेकिन आने वाले समय यहाँ पर फिर से शानदार तेजी की संभावना बनेगी, और ये खरीदारी का मौका है। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 3.35 52 वीक का लो है, और 11.15 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 8.35 के आसपास है। आज जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और आप देख सकते हो कि परसों 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ अभी 11 बजे के आसपास। अभी बाजार क्लोज होते हैं, जबरदस्त वॉल्यूम में और बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन पे स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो ये 1994 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 5,551 करोड़ रुपीज़ का है। अब क्वार्टर वन की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो 1,829 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे आप देख सकते हो 19.42% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर फोर से। क्वार्टर फोर में इनकी टोटल इनकम 1,531 करोड़ थी, और 97.47% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 9,026 करोड़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 241 करोड़ का बताया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, और कंपनी जो पिछले क्वार्टर में लॉस में थी इस बार प्रॉफिट में आ चुकी है। अब कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो क्वार्टर वाइज देखते हैं, सितंबर 2021 में इनका 902 करोड़ रुपीज़ का सेल था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 1,401 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में वो 1,406 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा। इस बार सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, इनका सेल 1,820 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो जो लोग कह रहे थे कि आने वाले समय जेपी पावर बंद हो जाएगी, यहाँ पे उन सारे की सारी संभावनाओं पर विराम लग जाता है। यहाँ पे उस हिसाब से खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो कि 684 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल एक्सपेंस था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में वो बढ़ के 1037 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, और मार्च में वो 1132 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। इस बार थोड़ा सा खर्च और बढ़ा है, 1192 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल इनका खर्च हुआ। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पिछले बार से और इस खर्च में कोई बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन इनके सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में 218 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 365 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च में वो 275 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है, 628 करोड़ का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, और इसीलिए हमें इस बार रिजल्ट उत्साहवर्धक देखने को मिला है। अब यहाँ पे अब देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेप्टेम्बर क्वार्टर में मात्र 6 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर में वो बढ़ के 158 करोड़ तक पहुँचा, मार्च में फिर से कम हुआ इनका प्रॉफिट, 139 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट रहा, और इस बार देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
शानदार 372 करोड़ रुपीज़ का इनको मिला है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो सितंबर में इनको करीब 1 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, दिसंबर में 107 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ, मार्च में फिर से 2 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, इस बार 242 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो आपको सितंबर क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा, दिसंबर क्वार्टर में 0.16 रहा और मार्च क्वार्टर में फिर से आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार 0.35 रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी जबरदस्त बढ़ा है, जो ये इशारा है कि अब यहां पे तेजी की संभावना बननी शुरू हो जाएगी और रिजल्ट में काफी अच्छी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो सेल अगर हम देखें मार्च 2021 में तो 3302 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल सेल हुआ था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 4625 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस साल 5530 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल हुआ। तो आप देख सकते हो कि सेल में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 1157 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2022 में 1113 करोड़ रुपीज़ का, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1485 करोड़ रुपीज़ का रहा, तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे आप देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मार्च 2021 में इनका 267 करोड़ रुपीज़ का था पूरे साल का, और मार्च 2022 में 107 करोड़ रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट रहा, इस बार वो बढ़कर 345 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जिससे समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के हिसाब से 11% अप है, 5 ईयर के हिसाब से आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% अप है और इस साल फाइनेंशियल ईयर में पूरा देखें तो 52% अप है, ज़बरदस्त जंप। अब यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% प्लस और 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर यानी TTM 117% का शानदार प्रदर्शन, बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -13% है, 5 ईयर के हिसाब से 7% अप, 3 ईयर के हिसाब से 70% अप और 1 ईयर के हिसाब से 76% अप। अब यहाँ पे इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें 10 ईयर के हिसाब से -6% है, 5 ईयर के हिसाब से -8%, 3 ईयर के हिसाब से -6%, लेकिन लास्ट ईयर 1% अप। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे पटरी पे आ चुकी है पूरी तरह से कंपनी और ऐसे में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम इस रिजल्ट को देख के कह सकते हैं कि आने वाले समय में जेपी पावर में आपको बहुत ही शानदार तेजी आती हुई दिखाई देगी, और ये जो बात मैं आपको लगातार कह रहा था पिछले कई समय से, लगभग 1.5-2 साल से, कि जेपी पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, चाहे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में कुछ कमी रह गई थी लेकिन उससे मैंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आने के बाद ही मैंने कह दिया था कि इसमें आपको बने रहना है, काफ़ी लोग जो बने हैं आने वाले समय उनको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 34% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 409% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 82% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 24% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 33% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से आप देख सकते हो 3.70% फिलहाल आप है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो लॉस थी कवर हो चुकी है, अब स्टॉक पूरी तरह से बुलिश जोन में और आने वाले समय आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे FII लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, उनको पहले से समझ में आ गया था कि स्टॉक वाकई एक गोल्ड है। आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 0.90% की थी, जो दिसंबर में बढ़कर 1.02% हुई और मार्च में 1.20 हुई और जून में तो उन्होंने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई, 2.83% की होल्डिंग की है, तो मुनाफा कमाएंगे FII वाले। अब बात करें DII की तो उन्होंने होल्डिंग थोड़ी सी इसमें कम की है, 28.72% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 23.28 हुई और मार्च में 23.12% होल्डिंग, फिलहाल अनचेंज है। यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास 50.05% की होल्डिंग है, तो आप समझ सकते हो कि FII जिस तरह से बाजार में निवेश बना रहे और लगातार उनकी पॉजिटिव शुरुआत हुई है खरीदारी की, तो आने वाले समय जेपी में भी निवेश को आने वाला है। तो इस रिजल्ट के दम पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी बहुत जल्द 2 डिजिट में जाने वाला है और फिर तेजी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अभी आने वाले 2030 तक थर्मल पावर प्लांट पे कामकाज बढ़ते रहने वाला है, कम होने वाला नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि कोल डिमांड पीक पे होगी, साथ में कंपनी का सीमेंट ग्राइंडिंग का कामकाज भी है और इनका आप देख सकते हो तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी का है बड़ा, तो ऐसे में निवेश को करना चाहिए आपको। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में 100% बाय की कॉल दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसके पिवोट लेवल देखें तो फिलहाल तो सारे के सारे रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि गिरावट में इसका 7.47 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.28 तक स्टॉक जाएगा और नीचे जाएगा तो 7.12 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 7.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, 7.98 का सेकंड रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक कर दिया है और 8.17 का तीसरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है, तो बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं,
ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर है जो आने वाले समय तेजी की और इशारा करें। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग की देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार पूरे मिल रहे हैं, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी इसको रेटिंग मिल रही है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है, यह आपने आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।